अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन मलाई टिक्का। तो चलिए देख लेते हैं इसकी रेसिपी। 250 ग्राम मैंने बोनलेस चिकन ले लिया है। 2 चम्मच दही ले लिया है। इसको मैंने एक छन्नी में रखा है ताकि इसका पानी निकल जाए। चिकन को हम मैरिनेट करेंगे। इसमें डाल देंगे दही 2 चम्मच, दो चम्मच फ्रेश क्रीम डालेंगे, एक चीज क्यूब को मैंने ग्रेट कर लिया है, इसको भी डालेंगे। आधा चम्मच नमक, आधे चम्मच से थोड़ा सा कम काली मिर्च पाउडर, 3 से 4 हरी मिर्ची, थोड़ा सा हरा धनिया और पुदीना, इसको मैंने क्रश कर लिया है, इसे भी डाल देंगे। थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल देंगे। इसको शुरू में ही डालना था, मैं भूल गई। अब इसको कम से कम 1 घंटे के लिए हम साइड में रख देंगे। इसको मैरिनेट करके मैंने साइड में रख दिया था। अब इसको मैं स्कीवर्स में सेट कर लूंगी। मैंने इसको एक साइड फ्राई कर दिया है। अब इसको पलट देंगे। हमारा मलाई चिकन टिक्का अच्छी तरह से फ्राई हो गया है। अब हम इसे बाहर निकालेंगे। बटर, एक चम्मच फ्रेश क्रीम, अब हम बटर और क्रीम को टिक्के के ऊपर डालेंगे।